नमस्कार, मैं दीपशिखा और आप देख रहे हैं न्यूज़ सुपर सेवन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार में शराब पूरी तरह से बंद है और इसके लिए सरकार बहुत सख्त भी है। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए हम नेशनल हाईवे का इस्तेमाल करते हैं। इसी नेशनल हाईवे के माध्यम से वाहन एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करते हैं। इसी में सासाराम टोल प्लाजा की क्या है वाहन जाँच करने की व्यवस्था, उसको हम जानते हैं अपने संवाददाता सौरभ दुबे के साथ। नमस्कार, न्यूज सुपर सेवन देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सौरभ दुबे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सासाराम के टोल प्लाजा पे। इधर से गाड़ियाँ यूपी से आती है और इधर बिहार में चली जाती है, तो बिहार का बॉर्डर तो पहले ही शुरू हो जाता है। लेकिन बात यह है कि यूपी से गाड़ियाँ जो आ रही हैं और बिहार में शराब बंद है, ये बात मैं एक पत्रकार होकर कह रहा हूँ तो मुझे भी शर्म आ रही है। ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए कि बिहार में शराब बंद है, जहाँ पे रोज शराब की पेटियाँ पकड़ी जाती हैं। अब ऐसे में आज हमारी टीम का मन हुआ कि भैया चला जाए और देखा जाए कि किस तरह से व्यवस्थाएं हैं और किस तरह से गाड़ियों की चेकिंग की जाती है। तो यहाँ पे हमारी टीम पहुँची तो देखा गया कि ट्रकों को रोक करके और ऊपर से देख लिया गया और उसको छोड़ दिया गया। अब ऐसे में आइए ज़रा बात करते हैं कि ऊपर ऊपर चेक कर लेने से क्या उसमें अंदर है, कि क्या कुछ है, कितना जान लोग पाते हैं, ज़रा हम बात करेंगे। नमस्कार, अभी हम देखें कि आप गाड़ी पर चढ़े हुए, लेकिन एक मेरा सवाल ये है कि जब ट्रक इतना भरा हुआ है तो ऐसे में ऊपर चढ़ के और सिर्फ बाह्य रूप में देख लेने से क्या पता चल पाता है कि इसमें क्या क्या है? नहीं, थोड़ा उसको अच्छा से उठा करके देखते हैं। जी जी, हाँ, देखने के बाद पता चल जाता है, ऐसा अनुमान भी थोड़ा लगाते हैं। अच्छा, गहराई तक। अच्छा, कि इसमें क्या शराब है। अगर वैसा रहता है तो उसको और हटा करके हम लोग अच्छी तरह से देखते हैं। जिस पर शक ज़्यादा होती है उस गाड़ी को स्वयं लगा करके ही अच्छी तरह से हम लोग चेक करते हैं। अच्छा, तो आप लोग किस अनुमान से देख लेते हैं? जैसे इसमें पूरा भरा हुआ है, हमको यदि चढ़ के देखना हो तो जिस तरह से आप चढ़े, यहाँ पे चढ़े और देखें कि चलिए ठीक है, तो अंदर मान लीजिए यहीं कहीं 20 पेटी हो तो कैसे पता चलेगा? अगर 20 पेटी पता नहीं, वो तो एक होता है थोड़ा सुन क्या होता है कि जगह हम लोग पहले हटा कर लेते हैं। हाँ, जब इधर से चढ़ेंगे तो जगह हटा करके उसको अच्छा, देखते हैं अच्छा, अच्छी तरह से। अगर समझ में आया कि नहीं, लग रहा है कि थोड़ा हो सकता है इसमें, और वो सब पेटी नज़र में आया तो हम लोग उसको अच्छी तरह से फिर खोल करके ही पूरा तरह से निकाल के देखते हैं। जी, तो अब जब तक अनुमान लगा लगा कर लोग यहाँ पर देख रहे हैं और मैम है हमारे साथ, ज़रा बात करेंगे, और यहाँ पर लगातार गाड़ियों की चेकिंग चल रही है और न्यूज सुपर सेवन की टीम लगातार दिखा रही है इस वक्त आपको अपने कैमरे में, लगातार यहाँ पर गाड़ियाँ आती जा रही हैं और चेकिंग चल रही है। ऐसे में आइए ज़रा मैम से बात करते हैं कि किस तरह से चेकिंग हो रही है। अब भैया दो मिनट रुक ही जाइए, हम इधर चले जाते हैं, आप आराम से चले जाइएगा बिंदास। ज़रा हम मैम से बात करते हैं कि क्या क्या यहाँ पर व्यवस्थाएँ हैं। नमस्ते मैम। ठीक है, हम लोग आराम से बात करने के लिए आए हैं, देखे कि चेकिंग चल रही है यहाँ पे। तो मैम एक चीज़ हम देखे कि आपके अंडर में जितने भी सिपाही लोग हैं इसे ऐसे ट्रक पे चढ़ गए और चढ़ने के बाद ऊपर से देख लिए, उसके बाद हाँ हाँ ठीक है, ऊपर से हटा हटा के देखा है, और से शक के आधार पर हम लोग करते हैं। अच्छा, करते हैं। तो मैम शक कितना सही हो पाता है? अपना जो काम है वो कर ही रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम ऊपर से सिर्फ देख लेना है, मान लीजिए अंदर इसमें कुछ हो ही, कुछ ऐसा चीज हो ही, तो उसको कैसे आप लोग पता कर पाते हैं? बस हमको ये जानने की जिज्ञासा है कि आप लोग किस तरह से अंदर यदि कुछ साधन में हम लोग कर रहे हैं काम जितना बनता है, और लोग अपना से तो बहुत कोशिश करते हैं हम बिल्कुल पता करने के लिए। तो आप लोगों को और क्या क्या चीजें, क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर चाहिए कि ताकि आप लोग बृहद रूप से इसको जाँच कर पाए? वो तो विभाग का है, मैम बताना तो पड़ेगा ही क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। तो आप देख पा रहे हैं सीधे तौर पे मैम का कहना है कि लिमिटेड रिसोर्सेज में जितना इनके साथ बन पा रहा है ये लोग जांच कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये सवाल था कि और क्या क्या चीज़ों की जरूरत होगी तो ये लोग अच्छे से जांच कर पाएंगे। देखिए गाड़ियों का तांता लगा हुआ है इधर और गाड़ियाँ आ रही हैं और
तथा कथित सबको जांच किया जा रहा है और उसको यहां से छोड़ा जा रहा है, फिर भी अंदर में पेटियां मिल ही जाती होंगी। अब इसका अनुमान तो हम नहीं लगा पाते हैं, लेकिन बिहार में दारू चल रहा है, शराब चल रहा है, इससे तो आप और हम मुकर नहीं सकते हैं। और शायद यही कमी है, और ये कमी रिसोर्सेज की कमी, जैसा कि मैम ने बताया कि जितना ही लिमिटेड रिसोर्स हैं उसी में हम जांच कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिसोर्स ज़्यादा दिया जाए, यदि शराबबंदी पूरी तरह से लागू करनी है तो टोल पर जितने भी लोगों को रिसोर्स चाहिए, जितना भी संसाधन चाहिए जिससे कि गाड़ियों का जांच किया जा सके, अच्छे तरीके से किया जा सके, यहाँ पे आप लेबर भी रख सकते हैं ताकि सारे पेटियों को उतारा जा सके और उसमें बढ़िया से छानबीन किया जा सके, जो भी संसाधन की जरूरत है ताकि नियम को अच्छे से लागू किया जा सके उसको यहाँ पर लगाने की जरूरत है। यही कमियाँ हैं। आप भी जरा सोचिए, पूरा ट्रक में भूसा लदा हुआ है, बीच में चार बोतल हो ही तो ना हम जानते हैं ना यहाँ के सिपाही जी जान पाएंगे। ऊपर से देख लिए, हाँ हाँ ठीक, चलिए भैया आप अंदर चले जाइए, तो ऐसे में ही अंदर पहुँच जा रही है शराब। और आज हम मौजूद हैं यहाँ पर टोल प्लाजा में, दिखाइए जरा तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए, और हम छानबीन कर रहे हैं। जैसे ही हमारा कैमरा आया यहाँ पर जांच और पड़ताल का तांता लग गया, सारी गाड़ियों को रोका गया और चेक करना चालू कर दिया गया। लेकिन उसके पहले नाश्ते पे लोग गए हुए थे, भोजन पे गए हुए थे, किसी को फिक्र नहीं थी। यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं तो जाने दीजिए, आ रही हैं तो आने दीजिए, यही सबसे बड़ी कमी है। यदि टोल पे सचमुच में जांच शुरू हो जाए, यदि टोल से गाड़ियां सचमुच में अच्छे तरीके से चेक होने लगे और तब अंदर जाएं, तो शायद पूरा बिहार में जो नियम लागू किया गया है शराबबंदी का वो चल पाए। लेकिन सबको पता है, हर घर को पता है कि शराब मिल रहा है साहब, लेकिन तनी महंगा मिल रहा है, यही दिक्कत है। जरा दिखा दीजिए, कैमरामैन को दिखाइए इधर, ये पूरा देखिए ये बोझा लदा हुआ है इसमें, देख लीजिए। और ये आलू के पेटी के बीच में यदि कहीं शराब हो ही तो इसका गारंटी तो हम भी नहीं लेते हैं, और ना आप लेते हैं, और ना ही ये सिपाही जी लोग लेंगे। अब बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारा बिहार में शराब बंद है, अंदर में बिक रहा है शराब। हम खुलेआम कह रहे हैं अपने चैनल पे कि अंदर में चल रहा है, और कमी यही है। त्रिपाल लगा लगा करके तनी दिखा दीजिए, कैमरामैन से चाहेंगे, 15 मिनट में यहाँ पे लगभग 80 ट्रक पार हुए, सब में त्रिपाल लगा हुआ है। कौन गारंटी लेता है कि इसके अंदर शराब नहीं है? को हम तस्वीरें दिखाए किस तरह से जांच चल रही है, आराम से देख लिया गया, छू लिया गया कि ना 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 ना, ना, ना आपके पास, आप ठीक हैं, आप चलिए पार हो जाइए। लेकिन देखिए कैमरामैन से चाहेंगे, ये त्रिपाल लगा लगा बोरे लदे हुए हैं ट्रकों में, क्या गारंटी है कि इसमें शराब नहीं है? कोई चेक करने वाला नहीं है, सिपाही लोग हैं ऊपर से देख करके और निकल जाते हैं। पूछने पर ये कहते हैं कि जितना भी संसाधन है उसी में हम लोग अच्छे से जांच कर रहे हैं, तो भैया संसाधन बढ़वाइए ताकि जांच बढ़िया से हो और तब दावा किया जाए कि बिहार में शराब बंद है। ऐसे हवाबाजी करने से काम नहीं चलेगा। आप देखते रहे न्यूज सुपर 7, हर जगहों पर जहां से भ्रष्टाचार की उत्पत्ति होती है हम माइक लेकर वहां पर आपको जरूर दिख जाएंगे। आप देखते रहे न्यूज सुपर 7, तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, धन्यवाद। बिहार यूपी के खबरों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज सुपर 7 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।